कहानी सच्चाई की ताकत। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसके पास अधिक पैसे नहीं थे। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। रामू रोज जंगल से लकड़ी काट कर बाजार में बेचता और जो भी पैसे मिलते उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन रामू लकड़ी काटते हुए जंगल के एक गहरे हिस्से में चला गया। वहाँ एक बड़ा आम का पेड़ था, जिसके नीचे एक पुराना कुआं था। काम खत्म करने के बाद रामू आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल कर कुएं में गिर गई। रामू बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह कुएं के पास बैठकर रोने लगा। तभी वहां एक देवी प्रकट हुई और रामू से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो बच्चे? रामू ने पूरी सच्चाई बताई। देवी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस ले आऊंगी। पहले देवी सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई और रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने तुरंत कहा, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी लकड़ी की थी। फिर देवी चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई, लेकिन रामू ने उसे भी मना कर दिया। अंत में देवी ने लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर आई और रामू ने खुशी खुशी कहा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी से खुश होकर देवी ने उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी इनाम में दे दी। रामू ने उनका धन्यवाद किया और अपनी ईमानदारी की वजह से धनी और खुशहाल जीवन जिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा फलीभूत होती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए।